नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो समय है, अब छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है। विंटर खासतौर से ये जो अब यहां से समय शुरू होता है, क्रिसमस और उसके बाद नए साल का पीरियड, ये सबसे पीक समय माना जाता है छुट्टियों के लिए और टूर एंड ट्रेवल्स के लिहाज से भी। लेकिन इस वक्त जिस तरह से लगातार बढ़ते हवाई किरायों ने लोगों का घूमना कर दिया है महंगा, वो अपने आप एक बड़ा सवाल बना है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं लगातार हवाई किराए, इसके पीछे वजह क्या है। इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश, फेयर अनफेयर। लगातार बढ़ रहे हवाई किराए सैर सपाटे पर जाने वाले लोगों का उत्साह भी कम कर रहे हैं। एयरलाइंस ने हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है और उसमें सबसे बड़ा योगदान लो कॉस्ट करियर्स का है। ईयर एंड और सर्दियों की छुट्टियां करीब हैं, ट्रेन्स में रिजर्वेशन मुश्किल है और हवाई किराए आसमान पर। क्या लो कॉस्ट और क्या रेगुलर एयरलाइंस, सबके किराए एक जैसे हैं। साल भर के मुकाबले अलग अलग सेक्टर के किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बानगी के तौर पर दिल्ली मुंबई का किराया 19 दिसंबर को 7,500 रुपए है। एक साल पहले दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ये किराया 5,500 रुपए का था। दिल्ली से जम्मू का किराया 5,000 रुपए का है, एक साल पहले ये 3,500 रुपए था। मुंबई से कोलकाता का किराया 19 दिसंबर को 8,500 रुपए का बिक रहा है। पिछले दिसंबर में इस रूट पर किराया 6,000 रुपए था। चेन्नई से दिल्ली का किराया 9,000 रुपए है, एक साल पहले ये 6,000 रुपए होता था। दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 9,200 रुपए है, जबकि पिछले दिसंबर में ये 6,000 रुपए था। हैदराबाद से दिल्ली का किराया 8,300 रुपए है, एक साल पहले ये 8,300 रुपए था। एयरलाइंस की मनमानी और कार्टलाइजेशन रोकने का भरोसा डीजीसीए से लेकर कंपटीशन कमीशन तक दे चुके हैं, लेकिन मामला जस का तस है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, जी बिजनेस, मुंबई। आखिर वजह क्या है लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के पीछे? क्या वास्तव में एयरलाइंस की कॉस्ट इन दिनों इतनी बढ़ गई है कि उनको किराया इस तरह बढ़ाना पड़ा है, या इसके पीछे वजह कुछ और है? कुछ बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे जुड़ने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में आ चुके सुभाष गोयल स्टिक ट्रेवल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका व्यू सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हाल फिलहाल ये हवाई किराए बढ़े हैं, वास्तव में इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है या फिर सिर्फ एयरलाइंस की मनमानी है? देखिए, पहली चीज तो है डिमांड एंड सप्लाई। इस टाइम पे डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई बढ़ी नहीं है, पर इसके लिए कुछ हमारी सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनका ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे 24-25% टैक्स है, जबकि इंटरनेशनल एयरलाइंस पे कोई टैक्स नहीं है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली से कोलंबो या दिल्ली से सिंगापुर या दिल्ली से दुबई आप होकर वापस आ सकते हैं, जितने में दिल्ली से कोचीन या दिल्ली से ट्रिवेंड्रम या दिल्ली से बेंगलोर आप जाएंगे। तो दूसरा कारण ये है कि एक हायर हमने इंडस्ट्री से डिमांड करी थी कि एक अपर लिमिट पे गवर्नमेंट को एक फ्रीज लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट से अगर टैक्सी आती है आपके होटल तक या आपके घर तक, आपने उनके किराए फिक्स करे हुए मैक्सिमम, ताकि उससे ज़्यादा वो चार्ज ना कर सकें। तो अगर एक छोटे आदमी का या छोटे व्यापारी के आप किराए फिक्स कर सकते हैं, तो आप हवाई जहाज़ों के किराए क्यों नहीं फिक्स कर सकते? आप देखिए कि बेस्ड ऑन द माइलेज सिस्टम आप उनका एक मैक्सिमम किराया फिक्स कर दें, ताकि बेसिक उससे नीचे कोई एयरलाइन चार्ज कर सके, उससे ऊँचा ना कर सके। पर जिस तरीके से एक ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है क्रिसमस और उसके न्यू ईयर के आसपास, या कोई भी त्यौहार हो या लॉन्ग वीकेंड हो उसके आसपास जैसे एयरलाइंस के किराए बढ़ते हैं, तो एक इसका कारण कार्टलाइजेशन भी है, क्योंकि आपने देखा कि जितने लो कॉस्ट कैरियर्स मेन थे पहले, जैसे शायद सर बड़ी वजह यही है, क्योंकि अगर हम ATF के हाल फिलहाल के प्राइसेस को देखें तो ये 72,000 रुपए के करीब प्रति किलो इस वक्त ATF का प्राइस आता है। अगर हम इसको हाल फिलहाल जो बढ़ोतरी हुई है उसमें और जो हाल फिलहाल किराए में बढ़ोतरी हुई उससे कंपेयर करें तो कहीं कोई मैच ही नहीं है। तो सिर्फ ATF इसकी वजह है, ये बात हजम नहीं होती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कार्टलाइजेशन तो 100% है, और कार्टलाइजेशन रोकने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। डीजीसीए को एक अपर लिमिट बेस्ड ऑन दी माइल्स कवर्ड
आपको फिक्स करनी पड़ेगी. और देखिए, नाम की लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, सर्विस भी नहीं दे रहे और किराए इनके कई बार फुल सर्विस कैरियर से भी ज़्यादा हैं. तो इस तरीके से आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता. अब आम आदमी के नाम पे सरकार बनी हुई है, पर आम आदमी किसी भी टूरिस्ट सीजन में या क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे आम आदमी बाई एयर जा ही नहीं सकता. चाहे वो किसी सैर सपाटे के लिए नहीं, किसी की मतलब डेथ हो गई या कोई कैंसर के लिए, किसी को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो आम आदमी के लिए एयर ट्रैवल करना तो इन दिनों इम्पॉसिबल है. तो इसलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल स्टेप्स लेने चाहिए और इस कार्टलाइजेशन को खत्म करना चाहिए. यकीन, क्या वास्तव में इस वक्त एयरलाइंस कार्टलाइजेशन के जरिए किराया बढ़ा रही हैं? क्या आपसी साठगांठ के जरिए इस वक्त किराया बढ़ाया जा रहा है या फिर कुछ और वजह है? इस पर एक और व्यू लेते हैं. इस वक्त हमारे साथ जान माने एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव साहब जुड़ गए. सर, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका, शुक्रिया वक्त देने के लिए. जिस तरह से हाल फिलहाल सर किराए बढ़े हैं, इसको क्या आप जस्टिफाइड मानते हैं? देखिए, इस समय जो डोमेस्टिक मार्केट का सिनारियो है जी, इसको आपको किंगफिशर के लॉकआउट और जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ है उसके संदर्भ में देखना चाहिए. किंगफिशर के पास जो कैपेसिटी थी 2010 में वो लगभग 10,000 सीट्स पर मंथ की थी. जब आप 10 लाख सीटें मार्केट से निकाल लेते हैं तो स्वाभाविक है इसका फायदा दूसरी एयरलाइंस को होता है. प्रत्येक एयरलाइन इस समय 80-90% लोड फैक्टर पे अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं. जब फ्लाइट्स हायर लोड फैक्टर्स पे ऑपरेट की जाती हैं, तो उस समय एयरलाइन का जो रेवेन्यू मैनेजमेंट मॉडल होता है उसके अनुसार ज्यादा कीमत पर टिकट बिकती है. अगर आपने 80% फ्लाइट फुल होने के पश्चात टिकट खरीदा है तो आप 70% जिस समय पे जिसने टिकट खरीदा था उससे ज्यादा पैसा देंगे. ठीक इसी प्रकार जब आप 90% एक फ्लाइट फुल हो जाती है तो एक पैसेंजर टिकट बुक करता है तो वो उससे भी ज्यादा टिकट का किराया देता है. इसलिए एयरलाइन इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी टिकट ले लो, उसके बाद टिकट की कीमत बढ़ती जाती है. केवल जब एक स्थिति आती है कि फ्लाइट जब ऑपरेट की जाती है, जिस तारीख को ऑपरेट हो रही है, अगर उस दिन बहुत सारी सीटें खाली हैं तो एयरलाइंस अपने टिकट फेयर्स में गिरावट करती हैं. बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज अर्लियर यू बाय लेस यू पे. नहीं, यहां सर एक बात ये भी हम समझना चाहेंगे कि जब किराए लगातार इसमें बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे अक्सर ये कहा जाता है कि हो सकता है शायद ऑक्यूपेंसी ना, लेकिन जब ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट फुल जा रही है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, सिंपल सा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है कि ज्यादा मांग है तो फिर उसके हिसाब से ही प्राइस को भी डिसाइड करना चाहिए. गोयल साहब, आपको क्या लगता है जब इतना ज्यादा लोड यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एयरलाइंस का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में किराए लगातार बढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए जैसे जितेंद्र भार्गव जी ने ठीक कहा कि किंगफिशर के बंद होने की वजह से एक एयर सीट्स की श्रिंकेज हो गई है, तो अगर किसी एयर सीट की श्रिंकेज होती है या किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की श्रिंकेज होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है कि लोग ब्लैक मार्केट ना करें. तो इस टाइम एयर सीट्स की ब्लैक मार्केट हो रही है, पर क्योंकि ये बड़ा आदमी कर रहा है और हवाई कंपनियाँ कर रही हैं तो गवर्नमेंट इस पर चुप है. गवर्नमेंट कह तो रही है कि DGCA भी कह रहा है कि हम करेंगे, पर एक्चुअल एक्शन कुछ नहीं हो रहा. और एक हायर लेवल पे जो प्राइस फिक्स होना चाहिए जी, वो प्राइस अभी तक फिक्स नहीं हुई है. और मैं समझता हूँ कि फिर आपको टैक्सी ड्राइवर्स को भी छोड़ देना चाहिए खुला कि जब ज़्यादा फ्लाइटें लैंड कर जाएं तो वही 5,000 रुपये चार्ज करें एयरपोर्ट से होटल तक का. उनको आप क्यों रेगुलेट कर रहे हो बेचारों को? उनको भी पेट्रोल उतना ही पड़ रहा है जितना, मतलब अकॉर्डिंग टू दी रेशनल रेशियो मिलाइए तो फिर उनके ऊपर भी कुछ बोझ तो लगभग उतना ही पड़ा है. अच्छा भार्गव साहब, आपने किंगफिशर की बात की, मौजूदा स्थिति पर अगर निगाह डाले तो ऐसे में किंगफिशर के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? नहीं देखिए, जो नहीं, सर एक सेकंड, भार्गव समझाना चाहिए. डोमेस्टिक मार्केट का सिनारियो है जी, इसको आपको किंगफिशर के लॉकआउट और जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ है उसके संदर्भ में देखना चाहिए. किंगफिशर के पास जो कैपेसिटी थी 2010 में वो लगभग 10,000 सीट्स पर मंथ की थी. जब आप 10 लाख सीटें मार्केट से निकाल लेते हैं तो स्वाभाविक है इसका फायदा दूसरी एयरलाइंस को होता है. प्रत्येक एयरलाइन इस समय 80-90% लोड फैक्टर पे अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं. जब फ्लाइट्स
हायर लोड फैक्टर्स पे ऑपरेट की जाती हैं, तो उस समय एयरलाइन का जो रेवेन्यू मैनेजमेंट मॉडल होता है उसके अनुसार ज्यादा कीमत पर टिकट बिकती है। अगर आपने 80% फ्लाइट फुल होने के पश्चात टिकट खरीदा है तो आप 70% जिस समय पे जिसने टिकट खरीदा था उससे ज्यादा पैसा देंगे। ठीक इसी प्रकार जब आप 90% एक फ्लाइट फुल हो जाती है तो एक पैसेंजर टिकट बुक करता है तो वो बात बिल्कुल ठीक है। आपने अब यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे आखिर ऐसे में अब कौन से ऐसे कदम उठाए जाए जिसके वजह से एक बार फिर से किराए रेगुलेट हो पाए। क्या अगर एक अपर लिमिट सेट कर दी जाए तो किराए काबू में आएंगे, या फिर अगर जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर अजीत सिंह ने कुछ पहले कहा था कि अगर एटीएफ को एसेंशियल कमोडिटीज में के तहत डाल दिया जाए तो शायद फिर काफी हद तक किराए काबू में आ जाएंगे। आखिर क्या हो सकता है ऐसे सॉल्यूशन, जानेंगे अपने दोनों खास मेहमानों की इस पर आए एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनमाना किराया तय करने का मतलब और उसके बाद अपने हिसाब से दलील देना। कंपनियों का कहना है कि ऑपरेशंस पर उनका लगातार खर्चा बढ़ा है, लेकिन क्या वास्तव में इतना खर्च बढ़ा है कि जिस तरह से हाल फिलहाल किराए बढ़ाए गए हैं? अगर इसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो जवाब है नहीं। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ऊंचे किराए के लिए कंपनियों की अपनी दलील हो सकती है, लेकिन इस दलील की हकीकत समझना ग्राहकों और हवाई यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल एयरलाइंस की लागत का सबसे ज्यादा करीब 40% हिस्सा एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ का होता है। कंपनियां किराए बढ़ाने के पीछे बार बार इसी की बढ़ोतरी का हवाला देती हैं। साल भर में एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी को देखें तो एयरलाइंस का तर्क औंधे मुंह गिरता है। एक साल पहले एटीएफ की औसत कीमत थी 65,000 रुपए प्रति किलोलीटर, इसकी मौजूदा कीमत हो गई है 70,000 रुपए प्रति किलोलीटर। दिल्ली में हवाई ईंधन की कीमत करीब 6%, मुंबई में 5.25%, कोलकाता में 4% और चेन्नई में 4.25% बढ़ी है। हवाई किराए बढ़ाने में अक्सर डिमांड और सप्लाई की दलीलें दी जाती है। हकीकत यह है कि एयरलाइंस बिजी सीजन में किराए तो बढ़ाती हैं, लेकिन लीन सीजन में भी किराए में बहुत कमी नहीं होती। 2012 में एयरलाइंस पर कार्टल बनाकर किराए बढ़ाने के कई बार आरोप लगे हैं। कई मामलों की कंपटीशन कमीशन जांच कर रहा है, लेकिन ऐसे नतीजों का अब तक इंतजार है जहां एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई हो सके और यात्रियों को कम किराया देना पड़े। मनीष रंजन, जी बिजनेस। हमारे दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। भार्गव साहब, ब्रेक के पहले भी हमने आपसे सवाल किया था, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किंगफिशर की फ्लाइट्स एक बार दोबारा रिज्यूम हो जाती है तो क्या इससे वास्तव में रेट्स पर कोई असर पड़ेगा? किंगफिशर के रिवाइवल के कारण मार्केट को दो फायदे होंगे। एक सिंपल कि आपके पास ज्यादा चॉइस होगी, मार्केट में कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से फेयर्स जो है वो अपने आप एक बैलेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि मार्केट फेयर्स लेवल को डिटरमिन करेगी। जो दूसरा फायदा पैसेंजर्स को होगा किंगफिशर के वापस आने से कि किंगफिशर अपना मार्केट शेयर को रीगेन करने के लिए, जो कि इस समय 0% है जी, अपने फेयर्स को और भी ज्यादा गिराएगी सो दैट पैसेंजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो उसका सीधा का सीधा फायदा पैसेंजर्स को मिलेगा। exactly, जैसा और दूसरी एयरलाइंस को और मैं हमें देखने किंगफिशर के फेयर लेवल्स के लिए मैच करना पड़ेगा जी। लेकिन किंगफिशर का रिवाइवल इतना आसान नहीं है। किंगफिशर पिछले 12-16 महीने के अंदर में अपनी कैपेसिटी को टोटली विड्रॉ कर चुकी है। उनके अधिकतर विमान लीजिंग कंपनीज ने वापस ले लिए हैं। छवि जो है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही है। क्रेडिबिलिटी जो मार्केट में है वो नहीं है। प्लस ऑयल कंपनीज, एयरपोर्ट्स, एम्प्लॉइज, लीजिंग कंपनीज, इन सबको बहुत सारा पैसे का भुगतान करना है। अगर किंगफिशर वापस आती है इट विल बी गुड न्यूज, लेकिन अगर नहीं आ पाती है तो भारत सरकार के लिए ये सही समय है कि ये पॉजिटिव स्टेप ले कि कैसे मार्केट में कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। यकीनन हाल फिलहाल जब एयर इंडिया ने भी वापसी की थी कमबैक के बाद, उसने भी काफी ज्यादा प्राइसेस को रिड्यूस किया था ताकि एक कंपटीशन में उसको मदद मिले। गोयल साहब, आपको लगता है कि अगर किंगफिशर रिज्यूम हुई तो इसका एक बड़ा असर किराए के ऊपर जरूर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एकदम मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी जी, तो स्वाभाविक है किराए नीचे आएंगे। और इसीलिए हमने हमेशा FDI को सपोर्ट करा है कि हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई फॉरेन एयरलाइन किंगफिशर में इन्वेस्ट करेगी, पर अनफॉर्चुनेटली किंगफिशर की हालत इतनी ख़राब है
और इतना डेट है कि फॉरेन एयरलाइन भी इन्वेस्ट करने से पहले दो बार सोच रही हैं। पर अगर किंगफिशर रिवाइव नहीं होती तो फिर मेरा तो यही है कि गवर्नमेंट को एक तो कुछ नई एयरलाइंस को अगर लाइसेंसेस के लिए कोई खड़ी हैं उनको देना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और जो हायर लेवल है फेयर्स के उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, अपर लिमिट फेयर्स की, उसकी रेगुलेशन के बगैर जो मनमाने फेयर्स हैं और एक कार्टलाइजेशन है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शॉर्टेज इन द मार्केट, उसका फायदा जो भी तीन चार एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं वो उठा रही हैं और उठाती जाएंगी। जी भागवत साहब, एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। हाल फिलहाल सिविल एविएशन मिनिस्टर अजीत सिंह ने कहा था कि अगर एटीएफ को एसेंशियल गुड्स कैटेगरी में डाल दिया जाए तो शायद कुछ हद तक इससे मदद मिल जाएगी। आपको लगता है कि ये एक कारगर तरीका हो सकता है हवाई किराए को काबू में लाने का? देखिए, फ्यूल जो है एक लो कॉस्ट एयरलाइन के लिए लगभग 45% कॉस्ट कंपोनेंट होता है। लेगेसी कैरियर जैसे कि जेट एयर इंडिया है उसके लिए लगभग 36-38% होता है। बहुत जरूरी है कि अगर एटीएफ के दामों में कमी आती है, लेकिन हैविंग बीन एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री मैं ये कह सकता हूं ये बहुत सालों से बात की जा रही है कि हम कैसे पहले स्टेट्स को परसुएड करें कि वो सेल टैक्स कम कर दें, दूसरा कहते हैं कि हम इसको डिक्लेयर्ड गुड्स बना के कैटेगरी में डालेंगे। अगर हो जाता है तो एयरलाइंस को रिलीफ मिलेगी, पैसेंजर्स को फायदा मिलेगा, इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी और ग्रोथ मोड में वापस आ जाएगी, जो कि जरूरी है। इंडिया का जो इस समय का मार्केट सिनारियो है उसको चाइना से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। चाइना में एविएशन इंडस्ट्री एक कैटलिस्ट के रूप में देखी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री को देखा जा रहा है कि सरकारें एयरपोर्ट्स कैसे ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमा सकती हैं। जी, पैसेंजर्स उनके फोकल पॉइंट पे नहीं है। चाइना की एयरलाइन जो इस समय है बहुत भारी ग्रोथ रेट उन्होंने अचीव किया पिछले सालों में और इस समय जो दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस हैं उसमें 3 एयरलाइंस चाइना की हैं। तो भारत सरकार को भी एविएशन इंडस्ट्री को टैक्स जनरेटिंग इंडस्ट्री ना समझ के एक इकोनॉमिक ग्रोथ का कैटलिस्ट समझना चाहिए। जितनी सुविधाएं दे सकते हैं दीजिए, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री हेल्दी हो सके, क्योंकि इस समय जो हमारा सिनारियो है इंडस्ट्री में वो ये है कि एविएशन इंडस्ट्री एयरलाइंस के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो केटरिंग कंपनी हो, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हो, ऑयल कंपनीज हो, लेकिन इन सब कैटेगरीज के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी अश्योर्ड है, केवल एयरलाइंस को लॉस सस्टेन करना पड़ता है। तो जब तक आप एयरलाइंस को हेल्दी नहीं बनाएंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी मार्केट के अंदर में और किस तरह के और कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है ये भी जानना बेहद जरूरी है। और कब तक आखिर अगर किराए काबू में आएंगे तो कब तक आएंगे और क्या क्या उसके लिए सटीक कदम उठाने की जरूरत है, इस पर भी अपने तमाम खास मेहमानों की राय हम जानेंगे। कुछ खास मेहमान और हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार हाल फिलहाल बढ़े हवाई किराए के पीछे असल वजह क्या है। इस वक्त हमारे साथ इस खास चर्चा में जेट एयरवेज के पूर्व ईडी सरोज दत्ता साहब भी जुड़ चुके हैं। दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। हवाई किराए दरअसल बीते 2-3 महीने में मनमाने तरीके से बढ़े हैं, क्या आप इसे सही मानते हैं या गलत? सही है गलत है बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन costs are higher than the revenues that are earned on the current fares, so therefore the airlines are making losses. जब तक fares नहीं बढ़ाएंगे और cost cut कर सकेंगे, उनका profitability to return to profitability will be very difficult. So the airlines have to do something in order to improve their bottom line. और उसमें since the government is unable to reduce the taxes on aviation turbine fuel and costs of several other items, the airlines are trying to reduce but have not been very successful. And ATF in any case is beyond the control of the government or the airlines.
वो इंटरनेशनल मार्केट में वॉट एवर प्राइसेज ऑफ क्रूड ऑयल आते हैं दे रिफ्लेक्ट देमसेल्व्स इन द एटीएफ प्राइसेस सो द एयरलाइंस हैव टू मेक श्योर दैट दे रिकवर द कॉस्ट इफ दे वांट टू मेक मनी एंड सर हाउ फार क्लोजर ऑफ किंगफिशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइक इन द एयर फेयर्स जब तक वन कांट डू एन एक्सरसाइज ऐसे जवाब नहीं दे सकता मैं घर में बैठे बोल नहीं सकता हूँ whether डिमांड सप्लाई इज द प्राइमरी रीजन और नॉट बट डिमांड सप्लाई सिचुएशन इज ऑब्वियसली एनेबल्ड द एयरलाइंस टू रेज फेयर्स एंड विदाउट सीइंग अ ड्रॉप इन ट्रैफिक आई डोंट नो इन द लास्ट two, three months whether the traffic has gone down substantially or not. In September, October, I think September, the DGCA figures had shown a big drop in traffic compared to last year. Mm-hmm. I don't know whether it is a continuation of a trend or not. Wo sab, wo jag hua hoga, to it is partly the fare increase is responsible. But we've got to remember that air travel is very closely related to the economic development, and if the economic development slows down, which it has, और शायद यही वजह है कि सरकार को अब इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए और किराए किसी भी तरह से कम करने की जो भी मुमकिन कोशिश हो वो करनी जरूर चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सर फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए गोयल साहब एक आखिरी सवाल आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हाल फिलहाल हवाई किराए बढ़े आप इसको तुरंत सरकार कैसे कम करे तो सरकार के ऊपर है हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो एयर ट्रेवलर हैं अब उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए और कैसे वो सस्ते किराए पा सकते हैं देखिए सबसे पहले तो एयर ट्रैवलर्स को एडवांस में बुक करना चाहिए जी जब उनको पता है कि क्रिसमस पे उन्होंने जाना है तो अगर वो 6 महीने पहले बुकिंग करेंगे तो जो फेयर्स आज हैं क्योंकि हर एयरलाइन के पास एक यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है और यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम में जो फर्स्ट फेयर जो होते हैं फर्स्ट 15-20% या 50% के जो सीट कैपेसिटी है वो एक बहुत सस्ते दामों पे सारी एयरलाइंस बेचती हैं तो एक तो अगर आप एडवांस बुकिंग करेंगे और फिक्स्ड आपके डेट्स हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा और होटल्स भी उसी तरीके से अगर आप एडवांस में बुक करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा रहेगा और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी आप फेयर बुक करें एडवांस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके उसकी डेट चेंज पेनल्टी का क्लॉज ज़रूर देख लें क्योंकि कई फेयर्स ऐसे हैं कि वो 1,000-1,100 रुपये दे के आप उसको चेंज कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं पर कुछ फेयर्स में कंडीशन ऐसी होती हैं कि अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो बिल्कुल पैसा नॉन रिफंडेबल होगा तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और एडवांस में अगर आप परचेज करेंगे फेयर्स टिकटें और फिक्स्ड करेंगे तो आपको सस्ती टिकटें मिलेंगी और लास्ट मिनट पे अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको स्वाभाविक है जैसे जितेंद्र भार्गव जी ने कहा कि 80% अगर लोड फैक्टर पे एयरक्राफ्ट हो गया है तो वो लास्ट फ्यू सीट्स हैं वो अपना मैक्सिमम प्राइस पे बेचती हैं यकीनन तो चलिए फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा उपाय आपके पास नहीं है सिवाय इसके कि आप एडवांस में अगर अपनी टिकट बुक कराएं तो शायद थोड़े बहुत आपको सस्ते टिकट ज़रूर मिल जाएंगे कोशिश यहां पर सरकार को अब ये करनी चाहिए कि कैसे भी कर जल्दी से जल्द हवाई किरायों को कम से कम काबू में ज़रूर करें हमारे खास प्रेस क्रिप्ट में फिलहाल इतना ही नमस्कार